Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें बात करते हैं दोस्तों सिविल इंजीनियर्स के बारे में। आज दोस्तों बात करने वाला हूं मैं कि जो प्रीवियसली आप लोगों के लिए जो मैं वीडियोस लेकर आया था, जिसमें मैंने पूरा आपको ड्राइंग रीडिंग समझाया था, चाहे वो सेंटर लाइन लेआउट प्लान हो, चाहे वो ग्राउंड बीम प्लान हो, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर प्लान हो या स्लैब बीम लेआउट प्लान हो, सभी का मैंने आपको समझाया था कि ड्राइंग को किस तरह से रीड आउट करना होता है। आज हम बात करेंगे कि डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट होता है और एक्सेल शीट पर पूरे ही ड्राइंग्स का किस तरह से हम शीट को फिल कर सकते हैं और डाटा को ड्राइंग से एक्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं अपने बिल्डिंग का बजट, जिससे रेडी होगा हमारा बिल ऑफ क्वांटिटी। आइए चलते हैं आज के वीडियो में और जानते हैं किस तरह से बिल ऑफ क्वांटिटी के फॉर्मेट से पहले हम एस्टिमेशन बनाते हैं। आइए चलते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने ओपन किया ये एक्सेल फॉर्मेट और यहां पर एक एक्सेल फॉर्मेट आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, नंबर ऑफ आइटम, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल और यूनिट्स। ये क्या है? ये है हमारा मेजरमेंट बुक। हमें क्या करना है? ड्राइंग से डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। ड्राइंग पढ़ना मैंने आपको प्रीवियसली सिखा दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप प्रीवियसली वीडियोस देख सकते हैं किस तरह से ड्राइंग को रीड आउट करना होता है। आज हम समझ रहे हैं कि कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे उन्हीं ड्राइंग से। ड्राइंग को डाउनलोडेबल लिंक भी अवेलेबल है, बाद में आप कर लीजिएगा, मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कहां मिलेगा वो आपको ड्राइंग्स, जितनी भी ड्राइंग्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। यहां पर देखते हैं कि यहां पर सबसे पहले साइट क्लीनिंग, ये पहला कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, एक्सकवेशन सेकंड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, सैंड फिलिंग, पीसीसी, इस तरह से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आते हैं। साइट क्लीनिंग हम केवल एक ही बार करेंगे प्लॉट का, और कितने प्लॉट है मेरे पास? एक ही प्लॉट है। यदि नंबर ऑफ प्लॉट होंगे तो हम यहां पे इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं मान रहा हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ प्लॉट केवल एक है। अब इसके बाद बात करते हैं लेंथ और विड्थ की। लेंथ और विड्थ निकल के आएगा हमारे ड्राइंग से, तो मैं यहां पे ड्राइंग भी ओपन कर लेता हूं। तो सबसे पहले ड्राइंग ओपन हुई सेंटर लाइन लेआउट प्लान। अब इस सेंटर लाइन लेआउट प्लान में आप देख रहे हैं ये जो हमें प्लॉट का साइज दिया हुआ है, अब प्लॉट का साइज कोई हमें लिख के तो देगा नहीं, इतने बाय इतने का प्लॉट है, हो सकता है यहां पर दे भी दे, लेकिन यहां पर आपको नहीं दिया ड्राइंग के अंदर। तो आप क्या करेंगे कि ये जो ऊपर जो डिस्टेंसेस दिए गए हैं इन एक्स डायरेक्शन, ये आपका प्लॉट का साइज हो सकता है इन लेंथ, और ये जो आपका जो वाई डायरेक्शन में दिया हुआ है ये हो सकता है प्लॉट के साइज का विड्थ आपका। तो आपको करना क्या है, आपको प्लॉट के साइज का जो एक्स डायरेक्शन दिया हुआ है इसको ऐड करना है और यहां पे वाई डायरेक्शन को ऐड करना है, तो प्लॉट का लेंथ और विड्थ आपको इजीली निकल के आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं जिससे हम इजीली काउंट कर सकते हैं इन सभी पार्ट को, और मेरे साथ आप भी काउंट कीजिएगा। तो यहां पर मैंने प्लॉट इसको ऐड कर दिया, यहां पे इसको जूम कर देते हैं जिससे आप सभी को इजीली दिख पाए कि कितना कितना हम यहां पर ले रहे हैं डाटा। दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व की गई एक्सेल शीट को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों यहां पर जितने भी वीडियोस इस सीरीज में मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए, वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट को भी, और प्रीवियसली वीडियोस जिसमें मैं आपको पूरा सिखाया था ड्राइंग रीडिंग के बारे में वो भी आप इजीली देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, यहां पे काउंट करना। सबसे पहले यहां पर लिखा है 1000, आप भी मेरे साथ काउंट कीजिएगा। 1000 मतलब 1 मीटर प्लस, अब 1000 mm है ये, तो हम 1 लिखेंगे, मीटर में काउंट करूंगा मैं इसको। 0.075 दैट इज 75 mm, 2.375 प्लस 0.6 प्लस 0.075 दैट इज 75 mm, 2800, 2.8, 0.075 अगेन 75 mm, 2.395 दैट इज 2395 mm, तो हो जाएगा ये मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे 2.395, ऐड कर दिया 2.755 प्लस 0.220 प्लस 0.075 प्लस 3.255 प्लस 2.375 इसको लिखेंगे, प्लस 0.075 प्लस 1.180 प्लस अगेन 1.180 अगेन 0.075 2.375 3.255 0.075 0.220 2.755 2.395 0.075 2.8 यहां तक हमने काउंट कर दिया, 2.8 तक आगे चलते हैं। तो 2.8 के बाद 0.075 अगेन, तो ऐड कर दिया 0.075 0.6 इसके बाद 2.375 0.075 और 1, तो ये आ गया 38.66 हमारा लेंथ। तो मैं लेंथ में जाकर लिख सकता हूं यहां पे 38.66, लेकिन दोस्तों जब भी हम प्लॉट साफ करते हैं तो थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा भी साफ करना चाहिए, मिनिममली हम 1 मीटर कर सकते हैं यहां पर एक्स्ट्रा क्लीन, जिससे बाहर जो गंदा मटेरियल पड़ा है वो हमारे प्लॉट में एंटर ना कर सके, हम इजीली मटेरियल को स्टोर करवा सकते हैं वहां पे और लेबर हटमैन वगैरह बना सकते हैं। तो मैं चारों तरफ से 1-1 मीटर लूंगा, तो लेंथ में 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, तो हम 1-1 मीटर दोनों तरफ क्या करेंगे ऐड कर देंगे, तो ये हो गया हमारा, यहां पे इक्वल्स टू प्रेस कर देंगे हम आगे, तो ये हो जाएगा 40.66। अब बात करेंगे हम विड्थ की, तो विड्थ के लिए क्या करना है दोस्तों, हमें फिर से हमें विड्थ में जाना है यहां पर, तो
मैं विड्थ में लेके जाता हूं आपको वाई डायरेक्शन की तरफ, तो वाई डायरेक्शन हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं यहां पर इसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं, इसको जीरो कर देता हूं पहले। तो यहां पे 1200 लिखा है, 1200 मतलब 1.2 mm, 0.075 दैट इज 75 mm, 3.425 प्लस 0.075 प्लस 0.825 प्लस 0.075 प्लस 1.325 प्लस 1.325 अगेन प्लस 0.075 प्लस 0.825 प्लस 0.075 अगेन प्लस 3.425 प्लस 1.2, तो ये आंसर आ गया 13.925। तो 13.925 क्या हो जाएगा, हमारा विड्थ हो जाएगा। तो हम विड्थ में जाके इक्वल्स टू प्रेस किए 13.925, इसमें भी एक एक मीटर हमने क्या करा, चारों दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये 15.925 टोटल में जाके इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय द विड्थ। हम क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे, तो आंसर आएगा स्क्वायर मीटर में कितना हमारा, 647.5 स्क्वायर मीटर, ये निकला हमारा साइट क्लीनिंग का एरिया। तो दोस्तों साइट क्लीनिंग के बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट जो कि है एक्सकवेशन। अब एक्सकवेशन में हमने यहां पर ड्राइंग में चलते हैं और ड्राइंग में देखते हैं यहां पर कि एक्सकवेशन के हमें फुटिंग के साइजेस पर डिपेंड करता है हमारा एक्सकवेशन। तो फुटिंग के साइजेस कितना दिया, 1600 बाय 1600 और 1400 बाय 1400, दो तरह का फुटिंग है। तो हम सबसे पहले जाके अपने एक्सेल शीट में जाकर लिखते हैं यहां पर F1 और F2। तो यहां पर जाकर मैंने लिखा F1 और F2। यहां पर नंबर ऑफ आइटम चाहिए मुझे, तो नंबर ऑफ आइटम के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा। तो काउंट करना स्टार्ट करते हैं, पहले F1 काउंट करते हैं फिर अगेन F2 काउंट करेंगे। तो आप लोग यहां पर मेरे साथ काउंट करेंगे कितने F1 और F2 दिए हुए हैं। आपको जो ड्राइंग डाउनलोडेबल लिंक है वो मैं लास्ट में बताऊंगा कहां से मिल पाएगा आपको, और एक्सेल शीट कहां से डाउनलोड कर पाएंगे। फिर आप खुद भी जरूर काउंट कीजिएगा कितने यहां पर F1 और F2 अवेलेबल है। तो दोस्तों काउंट करते हैं यहां पर कितने हमारे F1 फुटिंग आते हैं और कितने F2 आते हैं। तो देखिए F1 हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20, 20 ऐसे हैं जो F1 काउंट होते हैं। तो मैं यहां पर F1 में लिख सकता हूं 20। अब बात करते हैं हम F2 की, तो F2 जब हम काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 है ऊपर, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 और 39, 39 ऐसे हैं हमारे पास F2 अवेलेबल है, मतलब 20 फुटिंग है जो F1 स्पेसिफिकेशन रखेंगी और 39 फुटिंग ऐसी हैं जो F2 स्पेसिफिकेशन रखेंगी। साइजेस आपको पता ही है, आपको 1.6 प्लस 0.1 0.1 मिनिमम हम बात करते हैं। यदि हम बात करें एज पर CPWD के क्लॉज की, तो यहां पर वो 300 mm बोलते हैं। अब देखिए ये टोटली डिपेंड करेगा आपके क्लाइंट के ऊपर, आपका क्लाइंट कितना अप्रूवल आपको प्रोवाइड करता है। अगर 100 mm की बात करेंगे तो 100 mm लेंगे, अगर 300 mm की बात, अगर हम एज पर CPWD चलेंगे, यदि कंसल्टेंट द्वारा किसी भी तरह का डाटा अवेलेबल नहीं होगा, तो हम CPWD स्पेसिफिकेशन जो हम बिल बनाते हैं टाइम हम यूज करते हैं 300 mm, तो हम वही यूज करेंगे। तो मैंने यहां पर 300 mm हमने चारों तरफ एक्स्ट्रा करेंगे, सेम 1.6 प्लस 0.3 प्लस 0.3 हम यहां पे हमने ऐड कर दिया। अब इसका हाइट ऑफ एक्सकवेशन जो हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ एक्सकवेशन दिया हुआ है यहां पर, हम ड्राइंग में जाके चेक करेंगे तो हाइट ऑफ एक्सकवेशन है 2200, तो हम 2.2 meter हम यहां पे एक्सकवेशन लिखा। अब इसके बाद इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय द लेंथ मल्टीप्लाई बाय द विड्थ मल्टीप्लाई बाय द हाइट, और इसका जो आंसर निकलेगा वो क्यूबिक मीटर में, मतलब 213 क्यूबिक मीटर F1 फुटिंग में लगने वाला। इसके बाद यहां पर हम बात करेंगे F2 फुटिंग की, तो 1.4 1400 बाय 1400 दिया हुआ है, इसमें हमने 0.3 प्लस 0.3 ऐड कर दिया, देन अगेन 1.4 प्लस 0.3 प्लस 0.3 ऐड करा और 2200 हमारा एक्सकवेशन का हाइट है। अब इसके बाद इक्वल्स टू नंबर ऑफ मल्टीप्लाई बाय द लेंथ मल्टीप्लाई द विड्थ मल्टीप्लाई बाय द हाइट, एंटर करा क्यूबिक मीटर, मतलब इतना एक्सकवेशन हमें करना पड़ेगा, 343.2 क्यूबिक मीटर हमें एक्सकवेशन करना पड़ेगा F2 के लिए। अगर मैं टोटल एक्सकवेशन की बात करूं तो ऑल्ट प्लस के साथ मैंने इसका आंसर निकाला, तो 556.2 क्यूबिक मीटर हमें क्या करना है, एक्सकवेशन करना है। तो यहां पर लिखूंगा मैं टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेशन की टोटल क्वांटिटी कितना फाइंड आउट हुआ हमारा, 556 क्यूबिक मीटर का पैसा हम क्लेम कर सकते हैं अपने बिल में। अभी मैं BOQ बनाना भी सिखाऊंगा आपको, तो उसमें हम बिल में क्लेम करेंगे 556 क्यूबिक मीटर को। अब चलते हैं यहां पर ड्राइंग के थर्ड पॉइंट पर, वो है सैंड फिलिंग। सैंड फिलिंग जो हम प्रोवाइड करेंगे वो दो ही फुटिंग में प्रोवाइड करेंगे, दैट इज F1 और F2। नंबर ऑफ फुटिंग हमारे पास रहेंगे 20 और यहां पर 39, जितना हमने काउंट कर लिया था पहले से।
अब कितने हाइट पे प्रोवाइड करना है, एक बार ड्राइंग में आपको समझा देता हूं कि ड्राइंग में किस तरह से हमें सैंडफिलिंग हो सकता है। आपके ड्राइंग में सैंडफिलिंग ना दिया हो तो आपको फाइंड आउट नहीं करना है, लेकिन इस ड्राइंग में दिया था तो इसलिए मैं सैंडफिलिंग फाइंड आउट कर रहा हूं यहां पर। लेकिन थर्ड कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जरूरी होता है, ये हमें प्रोवाइड करना सैंडफिलिंग, लेकिन कुछ कंसल्टेंट हमें प्रोवाइड नहीं करते ड्राइंग में, तो वहां पर आप काउंट मत कीजिएगा इसको। अब यहां पर सैंडफिलिंग की हम बात करें तो सैंडफिलिंग आपको पूरे में प्रोवाइड किया गया, मतलब ये जितना बड़ा आपने देखा एक्स्ट्रा स्पेस जो 300 mm की बात कर रहा था, ये 300 mm ये है फुटिंग के साइज से, फुटिंग का साइज तो 1600 है तो 1600 तो यहां तक होगा, लेकिन वो 300 mm जो एक्स्ट्रा लिया है उसका कहानी ये है, ये जो हमने एक्स्ट्रा स्पेस यहां पर है। लेकिन सैंड फिलिंग और पीसी दोनों ही ये 300 mm में भी प्रोवाइड किया है, मतलब पूरे एंड टू एंड प्रोवाइड किया है, मतलब जितना साइज आपने एक्सकवेशन कर लिया है वही साइज आपको लेना है सैंड फिलिंग और पीसीसी का, लेकिन फुटिंग का साइज आपको एक्चुअल लेना है, जो फुटिंग का साइज आपको नीचे दिया हुआ है 1600 by 1600। जैसे कि आप लोग देखा अभी कि एक्सकवेशन साइज में 1600 by 1600 हो गया 2200 by 2200, क्यों? क्योंकि हमने 300 mm एज पर CPWD क्लॉज लिया है। एक किसी कंसल्टेंट या क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम 100 mm या 200 mm या कुछ एक्स्ट्रा स्पेस अलग से नहीं ले रहे, जो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हमें स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है हमने वही स्पेसिफिकेशन इस वाले डाटा में प्रोवाइड किया है। अब यहां पर जैसे प्रीवियसली मैंने वीडियोस बनाई तो उसमें 100 mm लिया, तो वो भी वैलिड है, क्योंकि वो वैलिड क्यों है, क्योंकि कई क्लाइंट के कंसल्टेंट हमें स्पेसिफाइड कर देते हैं आपको इतना ही करना है, और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहता भी है कि साफ साफ ये वो आपने एक्स्ट्रा किया अपने लिए, मतलब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा अपने लिए ईज ऑफ वर्क किया गया है, वो कॉन्ट्रैक्टर की जेब पर ही भारी पड़ेगा। तो यहां पर आप एज पर CPWD में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो इसलिए 300 mm यहां पर हम लिए हैं। इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं सैंड फिलिंग की, तो सैंड फिलिंग का भी सेम आपका 2200 by 2200 हो जाएगा और 0.1। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, जो डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है वो हमें 100 mm का सैंड फिलिंग प्रोवाइड करने को बोला गया, तो इसलिए हम 100 mm का सैंड फिलिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद यहां पर हम 2 meter by 2 meter, क्योंकि 1400 by 1400 वो एक्सकवेशन करना है 2 meter का, 0.1 यहां पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इक्वल्स टू प्रेस किए नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, एंटर करें और इसी को हम ड्रैग करके हम क्यूबिक मीटर में यहां पे आंसर लिया है। तो इतना क्यूबिक मीटर मुझे क्या करना पड़ेगा, सैंड फिलिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ प्लस प्रेस किया तो आंसर आया 25.28 का, हम क्या करेंगे क्लेम कर सकते हैं अपने बिल में। तो यहां पर टोटल क्वांटिटी ऑफ सैंड फिलिंग कितना आया हमारे पास 25.28 क्यूबिक मीटर में। दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व की गई एक्सेल शीट को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों यहां पर जितने भी वीडियोस इस सीरीज में मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए, वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट को भी, और प्रीवियसली वीडियोस जिसमें मैं आपको पूरा सिखाया था ड्रॉइंग रीडिंग के बारे में वो भी आप इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों सिविल गुरु जी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक कोर्स जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस, कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स, जो कि ऑनलाइन मोड पर सिविल गुरु जी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। साथ के साथ इस कोर्स की एक्चुअल फीस है 60,000 rupees, 60,000 rupees, लेकिन गुरुजी आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं इस कोर्स को 14,847 rupees में। साथ के साथ आपको यहां पर और एडिशनली बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, यदि आज आप गुरुजी कूपन कोड यूज करके आज इस कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आपको मिलने वाला है यहां पर स्टेट प्रो 3DS Max प्राइमावेरा, और यहां पर आपको मिलने वाला है DPR और जॉब डिटेक्टिव कोर्स, 5 courses एडिशनली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं यदि आज ही आप कॉप्स कोर्स में ज्वाइन। साथ में इतना ही नहीं, आप इन फ्यूचर कभी भी ऑफलाइन कोर्स में सिविल गुरुजी के साथ किसी भी ब्रांच में ज्वाइन होते हैं तो वहां पर आपको 14,847 rupees पूरे ऑफ कर दिए जाएंगे ऑफलाइन कोर्स में। जब भी आप ऑफलाइन कोर्स में सिविल गुरुजी के साथ जुड़ेंगे तो आपका 14,847 rupees पूरा का पूरा आपका डिडक्ट कर दिया जाएगा। यह सिविल गुरुजी का ऑफर आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। साथ में दोस्तों यहां पर आज ही आपको यदि ज्वाइन होते हैं तो 60,000 का कोर्स आपको 14,847 में तो मिलने वाला ही है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। साथ में यहां पर सॉफ्टवेयर स्किल्स की यदि बात करूं तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि AutoCAD, Revit Architecture, Google SketchUp, Microsoft Project, ETF Software, Resume Making, ये भी आपको मिलने वाला है। और साथ में टेक्निकल कोर्स की यदि मैं बात करूं जो कि प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं, एस्टिमेशन कंप्लीट एस्टिमेशन पूरे बिल्डिंग का, इसके अलावा बिलिंग इंजीनियरिंग, क्वांटिटी सर्वे, रेट एनालिसिस, अलग अलग मटेरियल्स का, अलग अलग आइटम्स का रेट एनालिसिस करना सिखाएंगे यहां पर आपको। साथ में बार बेंडिंग शेड्यूल, कॉन्ट्रैक्ट एंड टेंडरिंग पार्ट, ये भी कंप्लीटली आपको इस कोर्स में मिलने वाला है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में। साथ में आज आपको जो मौका मिल रहा है वो ये मौका मिल रहा है कि आप इस कोर्स की एक तो फीस तो कम है ही कि आप 60,000 का कोर्स 14,847 rupees में ले रहे हैं, साथ में ऑफलाइन में जुड़ने पर आपका 14,847 rupees टोटल आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। साथ में एडिशनल 5 courses और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ में यहां पर कंप्लीट करने के बाद कोर्स ऑफ कंप्लीशन का सर्टिफिकेट भी आपको मिलने वाला है। साथ में सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने के बाद आपको ये सॉफ्टवेयर के इंडिविजुअल सर्टिफिकेट भी मिलने वाले हैं, जो कि ISO सर्टिफाइड कंपनी सिविल गुरुजी उसके तरफ से आपको ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं पीसीसी की, तो पीसीसी भी हमारा 2 parts में होगा, F1 में और F2 में। तो यहां हम F1 और F2 प्रेस करते हैं, तो यहां पर 20 और 39 हमने प्रेस किया
देन यहाँ पे 2.2 क्योंकि पूरे में ही प्रोवाइड है, अभी मैंने आपको दिखाया था कितना हाइट है, अभी जाकर देख लेते हैं इसको कितना हाइट हमने प्रोवाइड करना है इसको। तो यहां पर देखोगे तो पीसीसी 1-2-4 का इशू कर रहा है, मतलब M15 प्रोवाइड करना है। यहाँ पे 100 mm का हमें क्या करना है, पीसीसी की थिकनेस हमें प्रोवाइड करनी है 100 mm की, तो यहाँ पर 0.1 सेम जैसा हमने सैंड फिलिंग में प्रोवाइड किया सेम एज इट इज हम यहां भी प्रोवाइड करेंगे। इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट किया, एंटर कर दिया और इसको हमने कर दिया ड्रैग क्यूबिक मीटर में। लेकिन यहां पर जैसे प्रीवियस आंसर हमारा सेम आ रहा है, लेकिन वो सैंड फिलिंग था और ये पीसीसी है, मतलब इतना कंक्रीट की रिक्वायरमेंट 25.28 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की रिक्वायरमेंट। और ऑब्वियसली आपको पता है कि कंक्रीट महंगा आता है एज कंपेयर टू हमारा सैंड फिलिंग, और जब हम क्लेम करेंगे बीओक्यू में तो जो आइटम के रेट होंगे वो डिफरेंट होंगे, उसे में भी पढ़ना आपको सिखाऊंगा एज पर सेंटर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के दिल्ली शेड्यूल ऑफ रेट से। तो इसलिए बने रहिएगा सीरीज में, इस सीरीज में आगे और भी आपके पास मजेदार डाटा मैं लेके आता रहूंगा आप सभी लोगों के लिए। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट, दोस्तों यही सब हम जो सिखाते हैं अपने कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं आप सभी लोगों के लिए, आप जाकर सीख सकते हैं। वहां पर एनरोल करने के लिए आप 9111001234 पर कॉल करो तो डायरेक्टली आप वहां पर जाकर एनरोल हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में। डाउनलोड करना है आपको सिंपली सिविल गुरुजी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को, और मेरे ही लेक्चर सारे अवेलेबल है। जल्दी आप रैपिड ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी से सारा पार्ट सीखना चाहते हैं तो पूरा पार्ट अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में। आगे चलते हैं फुटिंग कंक्रीट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बताने वाला हूं आपको। जब फुटिंग कंक्रीट समझने के लिए आपको यहां पर डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं पहले उसकी कहानी मैं बताता हूं। देखिए ये फुटिंग है यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये फुटिंग, तो इसके लिए मैं आपको एक पीपीटी फाइल दिखाता हूं जिसमें मैंने फुटिंग का और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि क्रॉस सेक्शन किस तरह से देखा जाता है इसको। तो देखिए ये जो पीपीटी है दोस्तों, ये हम फुटिंग कंक्रीट की हम बात करें तो मैंने अभी आपको एक्सकेवेशन समझाया कि लेंथ और विड्थ, देखिए लेंथ है और ये विड्थ है हमारा किसका, ये प्लान बता रहा हूं आपको। प्लान मतलब होता है टॉप व्यू, ऊपर से देखने पे हमें एक्सकेवेशन कैसा दिखाई गया, गड्ढा यहां पे अंदर किया गया है हमारा। तो लेंथ और विड्थ, अब इसके बाद इसका हमने सेक्शन कट किया, सेक्शन ए ए पॉइंट यहां से कट हुआ है तो कैसा दिखेगा सेक्शन, हमें इसका तीसरा डायमेंशन जब हम बीच में से देखिए, ये ऊपर से देख रहे हैं हम, इसको बीच में से कट कर दूं, यदि देखिए अब आपको ऐसा दिख रहा है मेरा हाथ, अब इसको मैं बीच में से कट कर दूं तो आपको ये वाला डिस्टेंस दिखेगा, दैट इज एक्सकेवेशन का अब दिख रहा है एज पर कंस्ट्रक्शन हम बात करें। अब यहां पर हमने सैंड फिलिंग और पीसीसी पूरे गड्ढे में प्रोवाइड कर दिया, सैंड फिलिंग और पीसीसी की लेयर 100 mm की। देन आफ्टर ये फुटिंग, देखिए यहां पर जो हमने डिस्टेंस छोड़ा हुआ है वो डिस्टेंस है यहां पर फुटिंग लेंथ और विड्थ यहां पर। इसके बाद यहां पर देखिए फुटिंग हमें कैसा दिखेगा, यहां भी हमें छोटा हुआ दिखेगा जैसा कि अभी मैंने आपको ड्राइंग में भी दिखाया था। देन क्या होगा यहां पर हमारा कॉलम का लेंथ और विड्थ, कॉलम का जितना लेंथ और विड्थ है उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा क्या प्रोपोजल का। देखिए ये 100 mm क्या है, ये ऑल साइड हमें 100 mm क्या छोड़ना है टॉप पार्ट से, क्यों छोड़ना है क्योंकि जब हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे तो ये ट्रायंगल शेप नहीं होती एक्चुअल में, जैसे कोन होता है ना कोन, कोन को ऊपर से दबा दो तो ऊपर का शेप कैसा हो जाएगा फ्लैट हो जाएगा, सेम यहां भी ऊपर का जो पोर्शन है वो फ्लैट हो गया, दिस इज द शेप ऑफ फ्रस्टम। अब फ्रस्टम की शेप के लिए ऊपर का जो पोर्शन है वो हमारा कैसा है प्लेन है, अब प्लेन होने के बाद जब कॉलम है हमारा तो कॉलम के लिए हमें 100 mm चारों तरफ से क्यों छोड़ना है, जैसे शटरिंग जो फॉर्म वर्क है हमारा वो इजीली हम प्लेस कर पाए। उसके बाद यहां पर देखेंगे ये हमारा ऊपर का पोर्शन आ गया, ये टॉप पोर्शन, अब इसको देखिए टॉप पोर्शन को हमने क्या करा चारों तरफ से मिला दिया जिससे क्या हो गया हमारा ट्रेपेजॉइडल शेप मिल गया हमको, स्लोप बन गया यहां पर, वो स्लोप जो बना है ये इस स्लोप को हमें फाइंड आउट करना है। ये जो पूरा पोर्शन है इसको कॉन्क्रीट देखिए इरेगुलर शेप है, ना तो रेक्टेंगल है ना ही ये ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट में तोड़ देंगे। जैसे कि आप यहां देखोगे ये जो नोट्स आप देख पा रहे हो ये अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में, नोट्स वगैरह सब ये पार्ट अवेलेबल किया जाता है इस वाले कोर्स में, आप जाकर जरूर एनरोल करके कोर्स को देख सकते हैं, ये नोट्स को जरूर देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व की गई एक्सेल शीट को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों यहां पर जितने भी वीडियोस इस सीरीज में मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट को भी, और प्रीवियसली वीडियोस जिसमें मैं आपको पूरा सिखाया था ड्रॉइंग रीडिंग के बारे में वो भी आप इजीली देख सकते हैं। तो यहां पे लिखा है इन दिस फुटिंग द कंक्रीट वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड इन टू स्टेप, दो स्टेप में कैलकुलेट किया जाता है, पहला वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, देखिए रेक्टेंगल पार्ट ये नीचे का जो पार्ट है, ये नीचे का जो पार्ट है इसको बोला गया है रेक्टेंगल पार्ट, और ऊपर के पार्ट को बोला गया है ट्रेपेजॉइडल टॉप पार्ट जो सेकेंडली हम कैलकुलेट करेंगे। रेक्टेंगल पार्ट निकालने के लिए एल इंटू बी इंटू एच किया जाता है, लेकिन ट्रेपेजॉइडल पार्ट निकालने के लिए DY3 इंटू A1 प्लस A2 प्लस स्क्वायर रूट A1 इंटू A2 किया जाता है। डी क्या है डेप्थ ऑफ ट्रेपेजॉइडल पार्ट, मतलब ये जो ट्रेपेजॉइडल पार्ट की डेप्थ, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो डेप्थ आपको दिखाई दे रही है ये आपका ट्रेपेजॉइडल टॉप पार्ट डेप्थ डी। A1 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, जो नीचे वाला ये एरिया है ट्रेपेजॉइडल टॉप पार्ट, कहां से स्टार्ट हुआ है आपका रेक्टेंगल से जहां से टच हो रहा है, ये A1 हो गया ये A2 हो गया ट्रेपेजॉइडल टॉप पार्ट A2। अब इसके बाद हम निकालने का फॉर्मूला मैं अभी आपको फॉर्मेट एक्सेल शीट में लेके जाऊंगा आपको, तो एक्सेल शीट में चलते हैं हम। तो एक्सेल शीट में चलने के बाद हम पहुंचे यहां पर, और यहां पे F1 मैंने डाला, F1 में दो पार्ट रेक्टेंगल जैसा कि मैंने आपको लास्टली बताया अभी नोट्स पढ़ाने के बाद, ट्रेपेजॉइडल पार्ट दो पार्ट में हम इसको फाइंड आउट करते हैं,
ट्रेपेजॉइडल पार्ट। इसके बाद यहां पर नंबर ऑफ फुटिंग कितना होगा, F1 हमने 20 अभी फाइंड आउट किया था और ये भी 20 होगा क्योंकि एक ही फुटिंग है उसमें बीच में से हमने कट कर दिया, नंबर ऑफ पार्ट तो 20 ही रहेंगे, नंबर ऑफ फुटिंग तो 20 में हमें प्रोवाइड करना ही पड़ेगा चाहे वो रेक्टेंगल पार्ट हो या फिर ट्रेपेजॉइडल पार्ट हो। अब इसके बाद यहां पर फुटिंग का साइज, देखिए फुटिंग का साइज रेक्टेंगल पार्ट के लिए अगर हम बात करें तो ड्रॉइंग के अंदर दिया हुआ है 1600 बाय 1600, तो 1600 बाय 1600 कहां से, यहां से लेके यहां तक 1600, ये थोड़ी नहीं 1600 है, तो ये तो ट्रेपेजॉइडल पार्ट है तो इसमें हम अलग लिखेंगे, यहां पर हम 1600 बाय 1600 लिखते हैं पहले। तो ये हम गए यहां पर 1.6 और 1.6। अब इसके बाद डेप्थ कितना है, किसका डेप्थ, आपका हाइट का। देखिए यहां पर पहले मैं एक फॉर्मूला लगा लेता हूं फ्रीज पेंस करने के लिए कि ऊपर का जो आपको हाइट वगैरह ये दिखाई दे, देखिए हाइट वगैरह दिखाई दे रहा, पहले नहीं दिख रहा था आपको। अब इसके लिए हम कहां गए यहां पर, तो यहां पर देखेंगे रेक्टेंगल पार्ट की जो डेप्थ है वो है D1, तो F1 के केस में D1 दिया हुआ है आपको 250, तो हम क्या करेंगे यहां पर 0.25 लिखा हमने, इक्वल्स टू प्रेस किया नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय द लेंथ मल्टीप्लाई बाय द विड्थ मल्टीप्लाई बाय द डेप्थ, एंटर करा तो आंसर आया 12.8 क्यूबिक मीटर। ये कैसे आ पाया 12.8 क्यूबिक मीटर, क्योंकि हमने सिंपली लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट किया, लेकिन ट्रेपेजॉइडल केस में ऐसा नहीं होगा जो मैंने फॉर्मूला बताया D3 a1 a2 √a1 a2 जो फॉर्मूला है वो हम पुट अप करेंगे। तो यहां पर सवाल आया कि यहां पर लेंथ और विड्थ कितना होगा, तो आप लोग मुझे खुद बताइए कमेंट सेक्शन में जाके कि ट्रेपेजॉइडल पार्ट, ये ट्रेपेजॉइडल पार्ट है हमारा, ये ट्रेपेजॉइडल पार्ट यहां से लेके यहां तक का डेप्थ है तो कितना होगा, जितना एक कॉलम का लेंथ और विड्थ होगा, कॉलम का यदि ये लेंथ है तो कॉलम का लेंथ प्लस उसमें 100 mm प्लस 100 mm हमने ऐड कर दिया। अब कॉलम का लेंथ और विड्थ समझते हैं हम, तो कॉलम का लेंथ विड्थ है 250 बाय 400, यदि 250 है तो 100 mm इधर 100 mm इधर, तो कितना हो जाएगा 250 प्लस 100 = 350 प्लस 100 = 450, और यहां पे 400 में 100 mm इधर और 100 mm इधर, तो कितना हो जाएगा 400 प्लस 100 प्लस 100 दैट इज 600 mm, तो 450 बाय 600 mm का हमारा कॉलम रहेगा। देखिए यहां पर फिर से समझ लीजिए, कॉलम का कॉलम यहां से लेके यहां तक है, उसमें 100 mm और 100 mm हमने ऐड करना है, तो यहां पर इसके लेंथ और विड्थ में जाके क्या लिखूंगा मैं, इक्वल्स टू 0.25 प्लस 0.1 प्लस 0.1, ये आपके ड्रॉइंग में प्रोवाइड किया जाता है डाटा जो है वाला। इसके बाद इक्वल्स टू 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.1 हमने ऐड किया, 600 हो गया। अब डेप्थ की यदि बात करूं तो डेप्थ भी आपके ड्रॉइंग में दोबारा चलना है आपको, तो ट्रेपेजॉइडल पार्ट की डेप्थ दी गई है D2, तो F1 के केस में D2 दिया हुआ है 100 mm का, तो यहां पे हमने क्या करा 0.1 इक्वल्स टू प्रेस किया। अब यहां पे नंबर ऑफ आइटम लेंथ विड्थ हाइट नहीं लगाना है, ये फॉर्मूला तब एप्लीकेबल होता है जब आपका रेक्टेंगल शेप होती, लेकिन शेप क्या है यहां पे फ्रस्टम शेप है ट्रेपेजॉइडल शेप है, तो क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे DY3 का। अब देखिए सबसे पहले कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ आइटम पे क्लिक किया मैं, नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई के बाद एक ब्रैकेट लगाया, बोर्ड मास जो बोर्ड मास का रूल होता है ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला रूल फॉलो होगा, तो हमने ब्रैकेट लगाया D/3 ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है अगेन a1 + a2 + √a1 * a2। देखिए लास्ट टाइम मैंने आपको PPT जो आपको दिखाया था, फिर से लेके चलता हूं उसी में ही पावर पॉइंट पे, तो देखिए DY3 * ये * a1 है अब यहां पे, तो * a1 के लिए हम क्या करेंगे दो ब्रैकेट लेंगे पहले, तो दो ब्रैकेट ले लिया ठीक है, एक ब्रैकेट पूरे फॉर्मूले के लिए और एक ब्रैकेट हमने केवल a1 के लिए, तो a1 क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट, रेक्टेंगल पार्ट का एरिया मतलब लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई पे क्लिक किया मल्टीप्लाई चौड़ाई पे क्लिक कर दिया, तो ये हो गया a1, ये पूरा मिला के हो गया a1, जो मैंने ब्रैकेट क्लोज किया ये a1 हो गया, प्लस का साइन एक बार ब्रैकेट, अब a2 मतलब ट्रेपेजॉइडल पार्ट का एरिया, ट्रेपेजॉइडल पार्ट का एरिया मतलब लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई, तो मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अब ये हो गया a2 प्लस स्क्वायर रूट के लिए हम क्या करते हैं SQRT लिखते हैं, जब भी हम एक्सेल में वर्क करते हैं तो अंडर रूट लगाना होता है, तो स्क्वायर रूट के लिए SQRT लिखते हैं, ब्रैकेट अब है a1 + a2, a1 मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्ट लंबाई गुणा चौड़ाई मल्टीप्लाई, अब क्या a2 रेक्टेंगल पार्ट का लंबाई सॉरी ट्रेपेजॉइडल पार्ट का लंबाई गुणा चौड़ाई हमने किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, और देखिए लास्ट ब्रैकेट भी हम क्लोज कर दिया, तो ये ब्लैक हो जाता है, जब ब्लैक ब्रैकेट हो गया तो फॉर्मूला क्लोज हो गया, एंटर करते तो आंसर आया 2.441 क्यूबिक मीटर दैट इज द फाइनल आंसर। अब इसी तरह से हम F2 के लिए बात करेंगे, तो F2 के लिए भी हम यही पूरा फॉर्मूला मैं एज इट इज कॉपी करता हूं, देखिए कॉपी करके और वैल्यू चेंज करनी, क्योंकि फॉर्मूला हम लगा देते तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी बताओ F2 नंबर ऑफ फुटिंग कितनी है, तो यहां पे मैं लिखने स्टार्ट कर देता हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, यहां पे 1.4 जो फुटिंग का है, बस मैं डाटा चेंज कर रहा हूं, देखिए फॉर्मूला आंसर चेंज हो जा रहा है, क्यों फॉर्मूला चेंज हो रहा है। अब इसके बाद हम जाके देखते हैं D1 और D2, तो यहां पे 200 और 100 है, 200 मतलब रेक्टेंगल पार्ट में 200 लिखना है और ट्रेपेजॉइडल पार्ट में 100, तो यहां पे 0.2 लिख दिया, एज इट इज पूरा सेम हो गया। अब टोटल क्वांटिटी, अब बात कर रहे हैं हम टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग कॉन्क्रीट, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग कॉन्क्रीट कितना आएगा यहां पे, तो यहां पर हम देख लेते हैं एक बार, टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग कॉन्क्रीट मैंने यहां पे लिखा। अब इसके बाद ऑल्ट के साथ यहां पे प्लस, देन इसको ऊपर मैंने क्या कर दिया स्ट्रेच कर दिया,
एंटर और क्यूबिक मीटर में हमारा आंसर आ गया 34.37 क्यूबिक मीटर M25 का कंक्रीट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। कंक्रीट तो प्रोवाइड कर दिया, अब बात करेंगे हम शटरिंग का। तो शटरिंग निकालने के लिए सिंपल मैं एक तरीका आपको बताता हूं यहां पर पीपीटी की सहायता से ही। देखिए जो मैंने आपको 100mm की कहानी बता रहा था, तो 100mm अब समझिए, यदि मैं इसको टॉप व्यू से देखूंगा ऐसे, तो कॉलम के चारों तरफ आपको जो 100mm दिखाई दे रहा है ये आपको एक्स्ट्रा यहां पर दिख रहा है, क्योंकि कॉलम की जब हम शटरिंग प्रोवाइड करेंगे तो फ्लैट पोर्शन बनता है ये। अब देखिए इसका 3D व्यू यहां पर, तो ये 3D व्यू दिख रहा है आपको ये, ठीक है। अब क्लियर हुआ आपको कि ट्रैपेज़ॉइडल फुटिंग कैसे दी गई है। देखिए नीचे आपका सैंड फिलिंग, ये आपका सबसे पहले सैंड फिलिंग दिया गया है, फिर पीसीसी और ये फुटिंग का रेक्टेंगल पार्ट और ये फुटिंग का ट्रैपेज़ॉइडल पार्ट आपको प्रोवाइड किया गया है। अब कॉलम का शटरिंग प्रोवाइड करना है, तो कॉलम का शटरिंग प्रोवाइड करने के लिए स्क्वायर मीटर में हम फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी साफ साफ बोलता है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया का ही हम आपको क्लेम करेंगे। तो आप मुझे बताइए यहां पर जो फुटिंग का रेक्टेंगल पार्ट है, तो फुटिंग के रेक्टेंगल पार्ट का हम शटरिंग निकाल रहे हैं, तो फुटिंग का रेक्टेंगल पार्ट का शटरिंग निकालने के लिए आपको क्या करना है, रेक्टेंगल पार्ट में, देखिए ट्रेपेज़ॉइडल पार्ट में तो किसी भी तरह का शटरिंग लगता ही नहीं है, लेकिन रेक्टेंगल पार्ट में जब हम शटरिंग लगाते हैं तो शटरिंग कैसे लगाएंगे, ये वाली लंबाई पीछे भी लंबाई हो जाएगा, ये चौड़ाई है तो पीछे भी क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस चौड़ाई पेरीमीटर, और हाइट चारों तरफ क्या है, सेम है, तो सेम हाइट की वजह से हम हाइट यहां पे सेम लगाएंगे। तो यहां पे लिखता हूं मैं फुटिंग शटरिंग लिखा, यहां पे लिखता हूं मैं F1 और यहां लिखता हूं मैं F2। नंबर ऑफ फुटिंग हमको पता है 20 है और यहां पे पता है हमको 39 है। अब इक्वल्स टू लेंथ कितना है, 1.6 + 1.6 + 1.6 + 1.6, चारों तरफ का क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। विड्थ में कुछ नहीं लिखेंगे हम, और यहां पे लिखा हमने 0.25। सेम इसी तरह से 1.4 + 1.4 + 1.4 + 1.4 एंटर करा और 0.2 हमने लिखा यहाँ पे, इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई लेंथ मल्टीप्लाई हाइट किया हमने स्क्वायर मीटर में, और इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई बाय द लेंथ मल्टीप्लाई बाय द हाइट, एंटर स्क्वायर मीटर में हमारा ये आंसर आया। ऑल्ट प्लस के साथ एंटर स्क्वायर मीटर हम यहाँ पे इजीली लिख पाएंगे। तो अब लिखेंगे टोटल क्वांटिटी ऑफ फुटिंग शटरिंग, तो 75.68 स्क्वायर मीटर यहां पे हमारा आंसर आता है। दोस्तों इस वीडियो में सॉल्व की गई एक्सेल शीट को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, और साथ में दोस्तों यहां पर जितने भी वीडियोस इस सीरीज में मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए, वो वीडियोस भी आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहां जाकर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं एक्सेल शीट को भी, और प्रीवियसली वीडियोस जिसमें मैं आपको पूरा सिखाया था ड्रॉइंग रीडिंग के बारे में, वो भी आप इजीली देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज जाना साइड क्लीन से लेकर फुटिंग शटरिंग तक कितने पॉइंट्स होते हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है यदि मैं और भी पॉइंट यहां पर कवर करता, नेक्स्ट वीडियो में सारे पॉइंट कवर किए जाएंगे। कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस में सारे पॉइंट्स, बिल ऑफ क्वांटिटी सब कुछ अवेलेबल, आप अपने अनुसार वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। जरूर एनरोल कीजिए आप कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कॉप्स कोर्स में, जो कि सिविल गुरुजी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन में अवेलेबल है, या 9111001234 पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं उसके बारे में और डिटेलिंग। साथ में दोस्तों आपको कोर्स के साथ मिलता है डाउट सेशन, किसी भी तरह का यदि आपको डाउट आता है तो वो सारे आपको सॉल्व किए जाते हैं मेरे द्वारा। आपको सिविल गुरुजी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर डाउट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जितने पार्ट मैंने जैसे अभी पढ़ाए हैं किसी भी पार्ट में यदि आपको डाउट है तो जाकर आप डायरेक्टली वहां भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना है कंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग प्रोसेस कोर्स में एनरोल, और डायरेक्टली आप सिविल गुरुजी के हर एक कोर्स में जाकर जुड़ पाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।